हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप राडिक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आइटम स्क्रीन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। राडिक्स में आइटम स्क्रीन का यूज परचेज की गई आइटम को डिफरेंट नाम से सेल करने के लिए होता है। आइटम स्क्रीन को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे मास्टर्स टेक्सटाइल ट्रेडिंग स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। आइटम स्क्रीन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। कोड यहाँ आइटम स्क्रीन को जो नाम देना हो वो एंटर कर देना है। हम यहाँ पे ऐश्वर्या नाम एंटर कर रहे हैं, एंटर कर देंगे। कोड और नेम सॉफ्टवेयर यहाँ पे अपने आप एंटर कर देगा। अगर आप चाहें तो ये दोनों फील्ड्स को चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आइटम यहाँ F4 बटन प्रेस कर देना है। आइटम्स की लिस्ट आ जाएगी। आप जिस आइटम की स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं वो आइटम का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पे सारी आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं, एंटर कर देंगे। अगर ये स्क्रीन सभी आइटम्स के लिए हो तो यहाँ पे आपको आइटम में ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट कट, यहाँ पर स्क्रीन वाइज डिफॉल्ट कट अगर रखना हो तो वो डाल सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 6.0 एंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट रेट, यहाँ आपको इस आइटम स्क्रीन को जिस रेट से सेल करना हो वो वैल्यू आपको यहाँ डाल देनी है। हम यहाँ पे 250 एंटर कर रहे हैं। परचेज रेट, आपने इस आइटम स्क्रीन को किस रेट में परचेज किया वो रेट आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। हम यहाँ पे 200 एंटर कर रहे हैं, एंटर कर देंगे। नोट, अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन हो एंट्री रिलेटेड तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटस, अगर आपको इस आइटम स्क्रीन को एक्टिव रखना है तो यहाँ पे ऑलवेज टिक रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे टू अदर इन्फो पे क्लिक करेंगे। इमेज पाथ, यहाँ अगर आपको इस आइटम स्क्रीन की कोई इमेज को सेट करना हो तो यहाँ से इमेज जहाँ स्टोर की है उस पाथ को सिलेक्ट करके अपलोड कर लेना है। यहाँ क्लियर इमेज बटन पे क्लिक करने से सिलेक्ट की गई इमेज को रिमूव भी कर सकते हैं। सभी डिटेल्स डालने के बाद सेव बटन पे क्लिक कर देना है। आपकी आइटम स्क्रीन क्रिएट हो जाएगी, न्यू बटन एक्टिवेट हो जाएगा। अगर और भी आइटम स्क्रीन क्रिएट करनी हो तो न्यू बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर सेल्स में इनवॉइसेस में आ जाएंगे और यहाँ पर स्क्रीन की फील्ड पे आ जाएंगे। यहाँ हम F4 की प्रेस कर देंगे तो हम देखेंगे कि जो स्क्रीन हमने अभी क्रिएट की थी वो लिस्ट में आ गई है। हम उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और अब हम यहाँ पे आइटम वाइज स्क्रीन वाइज एंट्री कर सकते हैं। इस तरह से हम राडिक्स में आइटम स्क्रीन को क्रिएट और यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।